कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में कांग्रेस ने 20 पार्टियों को न्योता भेजा है, लेकिन इसमें कई बड़े विपक्षी खिलाड़ी बाहर हैं। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह को कांग्रेस भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह को 2024 के लिए कांग्रेस के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने करीब 20 पार्टियों को न्योता भेजा है, लेकिन आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीआरएस और बीजेडी जैसे विपक्षी दलों को बाहर रखा गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों के अलावा उन्हीं पार्टियों को नौता गया है जिनके साथ गठबंधन की संभावनाएं हैं। किसे नौता मिला वो पक्ष पर नजर करते हैं तो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जम्मू कश्मीर की पीडीपी को, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की आरएलडी पार्टी, बिहार की जेडीयू, बिहार की आरजेडी, बिहार के सीपीआई, बंगाल त्रिपुरा की सीपीएम, बंगाल की सीपीआई, झारखंड की जेएएम, बंगाल की टीएमसी, महाराष्ट्र की शिवसेना, महाराष्ट्र की एनसीपी, तमिलनाडु की डीएमके, तमिलनाडु की एमडीएमके, तमिलनाडु की बीसीके, केरल के केरल कांग्रेस, केरल की आईयूएमएल, केरल की आरएसपी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बीएसपी से काफी समय से कोई संबंध नहीं है, बीएसपी अलग राह पर चलती है, लिहाजा गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। यूपी में कांग्रेस अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ समीकरण बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।